हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्कोनिक ऑफ रूल एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो ये मार्कोनिक ऑफ रूल और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल जो हैं, ये दोनों हेलो एल्किन्स के प्रिपरेशन के अंदर आते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि हेलो एल्किन का फॉर्मेशन हम एल्किन से कैसे करते हैं। तो एल्किन से हेलो एल्किन बनाने के लिए हमें एल्किन की रिएक्शन डाई हैलाइड से, जैसे कि Cl2Br2I2, इनसे करवानी पड़ती है। तो इस केस में क्या होता है, Cl2 सिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इन दोनों क्लोरीन में से एक क्लोरीन इस कार्बन के पास जाएगी और एक क्लोरीन इस कार्बन के पास जाएगी और ये बनाएंगे 1,2-dichloroethane। फॉर सिंपल, तो जो हम हेलो एल्किन का फॉर्मेशन एक सिमेट्रिकल एल्किन से करते हैं तो हमारी रिएक्शन इस तरह से होती है। लेकिन वहीं जो हम इसका फॉर्मेशन किसी एसिमेट्रिकल एल्किन, जैसे कि यहाँ एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एल्किन्स क्या होती हैं, सिमेट्रिकल एल्किन्स में बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, जबकि एसिमेट्रिकल में बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन नंबर सेम नहीं होते। जैसे कि इसमें इस बॉन्ड के इस साइड एक कार्बन है जबकि इस साइड दो कार्बन है। तो एसिमेट्रिकल के केस में यहाँ पर रूल्स लगते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है, जब किसी एसिमेट्रिकल एल्किन की रिएक्शन हैलोजन एसिड से कराई जाती है तो हैलोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पर अटैच होता है जिसके पास हाइड्रोजन एटम की संख्या सबसे कम हो। क्या बताया है इस रिएक्शन में, कि कोई हमारे पास एसिमेट्रिकल एल्किन है, जब हम उसकी रिएक्शन किसी भी हैलोजन एसिड जैसे HCl HBr किसी से भी करवाते हैं तो उसका नेगेटिव पार्ट, इसमें हाइड्रोजन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है और Cl पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो बॉन्ड के दोनों ओर पाए जाने वाले उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम होंगे। जैसे कि इस पर दो हाइड्रोजन है लेकिन इस पर एक हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है इसीलिए इसका Cl पार्ट इस पर जुड़ेगा। जैसे कि यहाँ इसका जो है, जैसे कि ये इसमें बॉन्ड टूटा और बॉन्ड टूटने के बाद जो Cl है वो उस कार्बन पर लगा जिस पर हाइड्रोजन जो सबसे कम है। तो इसमें प्रोडक्ट हमारे दो बनते हैं हमेशा, एक वो जहाँ पे Cl सेकंड पोजीशन पर यानी कि कम हाइड्रोजन वाले पर जुड़ेगी और एक वो जहाँ पर Cl जो है ज़्यादा हाइड्रोजन वाले पर जुड़ेगी। लेकिन फ़र्क क्या होता है, जो कम हाइड्रोजन वाला है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है, यानी कि वो ज़्यादा अमाउंट में बनता है जबकि माइनर कुछ अमाउंट में ही बनता है। वहीं इसमें एक और रूल पढ़ते हैं हम, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। अब एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है, जब किसी एसिमेट्रिकल एल्किन की रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी HBr के साथ परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराई जाती है तो HBr का Br यानी ब्रोमाइड आयन उस कार्बन एटम पर अटैच होता है जिस पर हाइड्रोजन एटम की संख्या सबसे ज़्यादा हो। ये मार्कोनिक ऑफ रूल के बिल्कुल अपोजिट है, इसीलिए इसे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल बोलते हैं। उसमें हम हैलोजन का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जोड़ते हैं जिस पे नंबर हाइड्रोजन नंबर सबसे कम हो, लेकिन इसके केस में हम नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जोड़ते हैं जिस पे हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा हो। इस इफ़ेक्ट को परऑक्साइड इफ़ेक्ट और हैराश इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। तो इसकी दो, पहले तो दो बात हैं, पहला तो ये कि HBr के लिए स्पेसिफिक होता है, दूसरी चीज़ ये कि इसमें परऑक्साइड की प्रेजेंस रखी जाती है जबकि मार्कोनिक ऑफ रूल में परऑक्साइड की प्रेजेंस नहीं होती। तो इस रिएक्शन में क्या है, एसिमेट्रिकल एल्किन है, एसिमेट्रिकल एल्किन ब्रेक डाउन करेगी, अब यहाँ पर एक तरफ इसमें H जुड़ेगा और एक तरफ Br जुड़ेगा, तो Br उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे यानी कि इस वाले के पास, जैसे कि CH3CH2CH2Br+CH3CH CH3Br, ये दो कंपाउंड बने हैं जिसमें से ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जुड़ने वाला कंपाउंड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बना है जबकि जो मार्कोनिक ऑफ रूल से बनाता है वो कम अमाउंट में बनाए। तो इसके हम कुछ एग्जांपल करते हैं, जैसे कि सिंपल इसी को करके देखते हैं, CH(CH2)। इस रिएक्शन में हमें HBr जोड़ना है, तो यहाँ क्या होगा, अगर हम बात करते हैं मार्कोनिक ऑफ के रूल की, तो मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन सबसे कम होंगे, तो इसका Br जाता है इस कार्बन के पास और जबकि हाइड्रोजन जाती है इस कार्बन के पास, और ये बनाते हैं CH3CH, यहाँ पर इसका Br आ गया सिंगल बॉन्ड CH3।
यहाँ पर हम HBr की जगह HCl भी ले सकते हैं। HCl के केस में भी यही होगा, जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर जुड़ेगा और Cl यहाँ जुड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मार्कोनिक ऑफ रूल में फॉलो होगा। मार्कोनिक ऑफ रूल वहीं अगर हमारे पास ये एसिमेट्रिकल एल्कीन ही दे रखी है और HBr दे रखा है, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr मेन रिएजेंट है हमारे पास, लेकिन इसमें स्पेसिफिसिटी क्या है कि यहाँ पर हमें परोक्साइड लिखा हुआ है, तो जब किसी भी रिएक्शन में यहाँ पर एसिमेट्रिकल एल्कीन हो, HBr हो और वहाँ पर परोक्साइड लिखा हो, तो इस केस में हमेशा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे? अप्लाई एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर Br उस कार्बन के पास जाएगा जिस पे हाइड्रोजन नंबर ज़्यादा होंगे, और जब Br हाइड्रोजन नंबर ज़्यादा वाले के पास जाएगा तो H+ उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, जैसे कि CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जो कि मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के ऊपर थी।